इंतहाई सादा और आसान है। इसके ऊपर मैंने प्रिंसेस पार्टी टाइम लिख दिया है। वाओ प्रिंसेस प्रॉपर ये हील कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें सब कुछ कितना डिसेंट और प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको प्रॉप्स बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने लिया ग्लिटर शीट और इसके लिए मैंने दोनों साइडों पर 11 सेंटीमीटर का मार्क कर लिया है। अब मैंने पेंसिल से क्राउन ट्रेस कर लिया है। ये इंतहाई सादा और आसान है। आप देख सकते हैं कि पैमाइश करके मैंने क्राउन को कितनी जल्दी ट्रेस कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। ये देखें कितना प्यारा कटआउट आया है। अब मैंने दूसरा प्रॉप भी ट्रेस कर लिया है जो कि ग्लासेस की शेप में है और ये भी बहुत ईजी है। इसको भी साइड से हम क्राउन की तरह ही ट्रेस करेंगे जैसे उसके कोने बनाए थे। अब दोनों तरफ से आइज़ के लिए निशान लगा लेंगे। इसको भी मैंने कट कर लिया है और ये देखिए कितना प्यारा ग्लासेस प्रॉप बन गया है। अगला प्रॉप मैं मैसेज शेप में ट्रेस कर लूँगी। ये भी बहुत इजी है। अगर आपको मुश्किल हो तो आप डॉट लगा के भी ट्रेस कर सकते हैं। अब इसको भी मैंने कट कर लिया है। जी तो हमारा अगला प्रॉप तो सबसे आसान है। हमने कोई भी गोल चीज़ ले लेनी है और उसको इस पर रख के ट्रेस कर लेना है। अब मैंने इसको कट कर लिया है। अगले प्रॉप के लिए फोमी शीट पर मैंने चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और लंबाई 7 सेंटीमीटर ली है। ये देखें एक तरफ से दोनों साइड्स मोड़कर मैंने एरो शेप प्रॉप बना लिया है। इसको भी मैंने साइड से कट कर लिया है। अब इस प्रॉप को हम A4 साइज़ शीट पर पेस्ट कर देंगे। A4 साइज़ शीट का पीस हमने इससे थोड़ा सा बड़ा लेना है। इसको भी हम साइड से कट कर देंगे। सब प्रॉप्स पर मैसेजेस हम पहले पेंसिल से लिखेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो और इसके ऊपर हम ब्लैक मार्कर से लिख लेंगे। इसके ऊपर मैंने प्रिंसेस पार्टी टाइम लिख दिया है। दूसरे पर मैंने हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस हानिया लिखा है। अब मैं इसे कट कर लूँगी और मैसेज प्रॉप पर पेस्ट कर दूँगी। इसके साथ ही मैंने इस पर स्टिक लगा दी है। वाओ ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इस प्रॉप पर मैंने लिखने के लिए कलर मार्कर यूज़ किए हैं। दीज हील्स आर किलिंग मी और बाय चांस ही ये मेरे पास एक्स्ट्रा स्टिकर पड़ा हुआ था और इस हील को मैंने इधर लगा दिया है। वाओ प्रिंसेस प्रॉप पर ये हील कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैंने पेपर पर पंच मशीन से सर्कल ले लिए हैं। अब मैं इन सर्कल्स को क्राउन की नोकों पर पेस्ट कर दूंगी। चलिए जी अब हम इन सब प्रॉप्स पर थोड़ी सी फैंसी डेकोरेशन कर लेते हैं। क्राउन पर मैंने फैंसी हार्ट लगा दिए हैं और साथ ही मैंने स्टिक को भी पेस्ट कर दिया है। ये स्टिक आपको इजीली मिल जाएंगी। इसको कुल्फी स्टिक भी कहते हैं। हमारा क्राउन प्रॉप भी रेडी हो चुका है। इसका मैसेज मैंने नीचे लिख दिया है, बर्थडे गर्ल लुकिंग वेरी नाइस। इस पर भी मैंने गोल्डन मार्कर से स्टार बना लिए हैं। इसमें थोड़े से मैं फैंसी स्टार भी लगा दूंगी। इससे इसकी लुक ही डिफरेंट हो जाएगी। इस पर भी ग्लू से स्टिक लगा देंगे। ये देखें कितना शाइन कर रहा है। प्रिंसेस प्रॉप पर भी गोल्डन स्टार लगा दिए हैं और स्टिक को भी अटैच कर दिया है। ये भी रेडी हो चुका है। अगले प्रॉप को भी स्टिक से अटैच करके मैसेज लिख दिया है, इट्स माय बर्थडे। ये भी बहुत नाइस और ब्यूटीफुल बना है। एम्प्टी टिश्यू रोल पर कलरिंग पेपर लगा के इस तरह रेडी कर सकते हैं और इसमें आप अपने प्रॉप्स रख सकते हैं। एम्प्टी रोल्स पर कवर चढ़ाना मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। ये देखें कितने खूबसूरत और बहुत कम टाइम में प्रॉप रेडी हो चुकी हैं। ये देखें मैंने अपनी बेटी हानिया की बर्थडे पर डेकोरेशन की थी। टेबल को प्रॉप्स, कॉटन कैंडी और मार्शमेलो से डेकोरेट किया है। ये देखें सब कुछ कितना डिसेंट और प्यारा लग रहा है। जबकि ये प्रॉप्स बनाने से पहले मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं बना पाऊँगी भी कि नहीं। बट व्यूअर्स मेरे ख़्याल में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। किसी भी काम को करने के लिए अगर आप ठान लें कि हाँ मैंने ये काम करना है तो आप उसको कर गुजरते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।